हेलो नाइन्थ क्लास सारे बच्चों प्यार भरी सत श्री अकाल। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 6.40 ए द किताब दे विच जिहड़ी फिगर दित्ती हो 6.40 इह फिगर है ते इस फिगर दे विच की है एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। हुण ए फिगर जिहड़ी इहदा नाम साडा हैगा एक्स वाई एंड जेड। इह त्रिकोण दा नाम है तो जो सा एंगल एक्स हैगा ए वाला एंगल ए वाला यह हैगा 62 डिग्री का। जो मैं फिगर पर समझानी है तो सारा ध्यान जो फिगर पर होना चाहिए कि इतने कोई भी लैटर जो अपीयर हों तो दिखता रहे। ठीक है तो दूसरा हैगा एंगल एक्स वाई जैड इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल ता इतों ए वाला ए पूरा एंगल 54 डिग्री का 54 डिग्री का। ठीक है इफ वाई ओ ए साडा एंग ए जिहड़ा पॉइंट है ये हैगा ओ वाई तो ओ तक ए वाली जिहड़ी लाइन है साडी वाई तो ओ ए ओ कहिंदा कि इहनूं बाइसैक्ट कर दी इस एंगल नूं। ये पूरा एंगल जिहड़ा 54 डिग्री इहदा बाइसैक्टर है ये वाई ओ ते जैड ओ ये अपने अपने एंगल्स दे बाइसैक्टर हैगे। ठीक है ए वाले एंगल ये बाइसैक्ट करता मतलब सम विभाजित करता पंजाबी आ जाओ कि एंगल एक्स 62 डिग्री का एंगल एक्स वाई जैड 54 डिग्री का है। जेकर वाई ओ और जैड ओ क्रंबर त्रिकोण एक्स वाई जैड दे कोण ये त्रिकोण एक्स वाई जैड है ये कोण एक्स वाई जैड और एक्स जैड वाई के सम विभाजक हो सम विभाजक है। ये वाली लाइन जीडिया आ ये वाली दो लाइन जीडिया ये इन्ह दो कोणों का ए वाला कोण तो ए वाला कोण इन दोनों कोणों के ये सम विभाजक है। सम विभाजक मतलब इन्ह कोणों बराबर दो हिस्सों च वंडते हैं। ठीक है इन ये जो हिस्से है ना ये वाले हिस्से ये बराबर है यदा ए वाला हिस्सा तो ए वाला हिस्सा बराबर है। ठीक है तो हूँ असं पता की करना एंगल ओ जैड वाई ओ जैड वाई मतलब ए वाला एंगल असी पूरा ए वाला एंगल पता करना एक ते दूसरा असी एंगल पता करना वाई ओ जैड वाई ओ जैड ए वाला एंगल पता करना सी। अंडरस्टैंड इन्नी गल समझ लगी ना कि असी ये एंगल पता करने हैं दो। ठीक है हुण सानूं दित्ता की है देखो ये ट्रायंगल है एक्स वाई जैड ये दो कोण दिते हुए हैं दो कोण दिते एक 62 का एक 54 डिग्री का। असी तीसरा कोण भी पता कर लेना ये वाला कोण है ना जिहड़ा साडा असी ये कोण पता किदा कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी नाल मतलब त्रिकोण के तिना कोणों का जोड़ किन्ना हुंदा 180 डिग्री। दो कोण साडे कोल हैगे आ तीसरा कोण असी पता कर लेना। उस तो बाद हुण ये सानूं रकम च दिता है कि ये वाई ओ जिहड़ी आ इहनूं सम विभाजित करती है सम विभाजित माने बराबर दो हिस्से च वंडदी है। जो असी इन्हू दो भाग कर देंगे तो सूँ पता कि यह कोण किन्ने डिग्री का लेना। ठीक है 54 दो भाग करा तो किन्ने आ जाते 27 27 दून 54 होंगे ये एंगल साडा 27 डिग्री का बन जाना। ठीक है ये एंगल साडा फिर जो क्ढना एंगल सम प्रॉपर्टी करके वह अद कर लेंगे वह अद करके जोड़ा यह आएगा फिर साढ़े को अंदर ये ट्रेंगल बनती पी है ओ वाई जैड तो तीसरा कोण वह पता कर लेंगे अं। ठीक है बेसिक जो खाका तेजे दिमाग से एक तैयार हो जाना हो गया होगा। चलो हम सोल्यूशन करिए असं इस क्वेश्चन का सानू दिता की है एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंड का मतलब अते पंजाबी अते लिख लेना नाल अते एंगल एक्स वाई जैड इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है ये दो एंगल सानू दिते हुए है तीसरा एंगल असी पता करना। हुण असी लिखांगे एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जैड प्लस एंगल एक्स जैड वाई इन्हों का असी पूरा नाम क्यों लिखिया क्योंकि इतने इतने ना इतने इतने ये देखो इतने दो कोण बनते हैं जे असी वाई लिखांगे वाई च ये भी गिणिया जा सकता ये भी गिणिया जा सकता इस करके सानू इहदा पूरा नाम लिखना पेगा। ठीक है जे जैड लिखांगे जैड च ये भी गिणिया जा सकता ये भी बड़ा ये भी गिणिया जा सकता तो ये भी
गिणिया जा सकता है। इस करके सानू इन्हां दा पूरा ना लिखना पिया। ए बराबर 180 डिग्री क्यों है? त्रिकोण दे तिना कोणा दा जोड़। ठीक है, इंग्लिश च लिखते सी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा हुण x साढ़े कोल हैगा 62 डिग्री दा, एक्स वाई जेड साडा किन्ने दा, एक्स वाई जेड दिता है 54 डिग्री दा, ते एक्स जेड वाई सानू नहीं पता, वो असीं पता कर लांगे। इधर 180 डिग्री इन्हां दोनों नू जोड़ लो, 4 तो 2 6 हो गया, 6 तो 5 11। ठीक है, 100 ते 16 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण साडे कोल एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। हुण तुसीं माइनस करके देखो, 10 च 6 गया 4, 7 च 1 गया 6, 1 च 1 गया 0, 64 डिग्री आ गया साडा। ये वाला पूरा एंगल जिहड़ा, ये वाला पूरा एंगल साडा 64 डिग्री हो गया। ठीक है, जे 64 है तो हाफ किन्ना हो जाएगा, इहदा 64 दा हाफ 32, ये 32 डिग्री आ जाणा। ये साडा 27 डिग्री, मैं पहला तुहानूं दस्सिया 27 डिग्री आ जाणा। हुण असीं ये एंगल फिर पता कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी नाल, क्योंकि ये भी साडी त्रिकोण है ना, ओ वाई जेड ये भी त्रिकोण बनती पई है। चलो हुण ये साडे कोल आ गया 64, इट्स की ये दिता है कि इंग्लिश लिखोगे इट्स गिवन दैट ओ वाई या वाई ओ अते जेड ओ कोण एक्स वाई जेड अते कोण एक्स जेड वाई दे सम दुभाजक हन। इंग्लिश भी लिखांगे असीं इहदे नाल, इट्स गिवन दैट चों लिखिया असीं, इस करके इत्थे इंग्लिश वाली भी असीं स्टेटमेंट लिखांगे। गिवन दैट की है वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ए सानू दिता होया है, देयरफोर एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री हो गया, एंड एंगल ओ जेड वाई ए हो जाना साडा 32 डिग्री। ये दोनों एंगल साडे कोल आ गए, इंट्रेंगल ओ वाई जेड। ठीक है, पंजाबी च लिखांगे त्रिकोण ओ वाई जेड विच। ठीक है, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड
प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण इहदा उही एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिकोण दे तिना कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ठीक है, हुण साडे कोल आ जाणा वाई ओ जेड, सानू नहीं पता, प्लस ओ वाई जेड किन्ना है 27 डिग्री। ओ जेड वाई किन्ना है 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण असीं इहनां दा पहलां सम कर लईए। वाई ओ जेड प्लस 7 ਦਾ 2 9 ਹੋ ਗਏ, 3 ਤੋਂ 2 5 ਹੋ ਗਏ, 59 ਡਿਗਰੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ Y O Z ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 59 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? 10 ਚੋਂ 9 ਗਏ 1, 7 ਚੋਂ 5 ਗਏ 2, 1 ਦਾ 1 121 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ 121 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ।